नमस्कार, ज्ञान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अदिति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नौजिल थाना इलाके के मिठौली गांव में गोलीकांड की घटना से सनसनी फैल गई। सोमवार रात करीब मां बेटी और पिता को गोली लगी हालत में घर में मिले। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि बेटी ने अपने माँ बाप को गोली मार दी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि चैत्राम उम्र 40 वर्ष रिटायर्ड फौजी और उसकी 17 वर्षीय बेटी अलका और पत्नी राजकुमारी 37 वर्ष को गोली लगी हालत में पड़े हुए हैं। पास ही में लाइसेंसी पिस्टल भी पड़ी हुई थी। आनन फानन में पुलिस ने तीनों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ पिता चैत्राम की मौत हो गई। गंभीर हालत में माँ बेटी को हायर सेंटर मथुरा रेफर कर दिया गया जहाँ दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके से पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की। घायल बेटी ने पिता पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। घायल बेटी अलका ने बताया कि उसके पिता ने पिस्टल से गोली मारी है जिसके बाद बचाव में आई मां को भी गोली मार दी। अपने बचाव में बेटी ने पिता से पिस्टल छीनकर उसे गोली मार दी। बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते पिता चैत्राम ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इस गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों में कलह की वजह चर्चा भी बनी हुई है कि कुछ दिन पूर्व 17 वर्षीय बेटी अलका घर से गायब हो गई थी जो 4-5 दिन बाद वापस लौटी थी। उसी को लेकर घर में कलह चल रहा था और आज वह कलह इतना बढ़ गया कि पिता ने अपने पिस्टल से गोलीकांड की घटना को अंजाम दे डाला। बेटी अलका के पेट में गोली लगी और मां के सिर में और पिता के सीने में पिता की मौत हो गई और मां बेटी का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी शलभ माथुर मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस घटना की जांच कर रही है कि आखिर गोलीकांड की घटना को पिता ने ही अंजाम दिया है, घटना के पीछे कुछ और है। ये ग्राम मिठौली पड़ता है थाना नौचिल के अंदर। ये करीबन जो अभी तक की हम लोग को जानकारी प्राप्त है करीबन 9:30 बजे के आसपास की घटना है जहाँ पर पहले सूचना ये आई थी कि एक लड़की के द्वारा अपने माँ बाप पे गोली चलाई गई है। और जो अभी जानकारी मिली अभी लड़की जीवित है और जो अभी मौके पर और अधिकारी गए हैं उसे जो सूचना मिली तो अभी तक की सूचना है कि कतिपय कारणों से घर पे जो घरेलू विवाद को लेकर पहले जो लड़की के फादर है उसने लड़की को गोली मारी है और अभी ये क्लियर नहीं है कि नेचर ऑफ इंजरी मदर की है क्या। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पर जो है उनके वाइटल्स जो है रिस्टोर कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ उसके बाद उन्होंने ये बेटी को मारने का प्रयास किया है, बेटी के ऊपर भी गोली चलाई है। जो अभी तक की जानकारी है कि उनको भी मतलब जो बच्ची है उसको भी गोली लगी है। और इसके बाद जो है जो जैसा कि जिनको गोली लगी है लड़की को उन्होंने बताया कि सेल्फ डिफेंस के अंदर उन्होंने गोली मारी जिसके अंदर उनके फादर उनके फादर आर्मी से रिटायर्ड थे और आर्मी से उनको वही इनके पास में थी। जो विवाद का कारण है उसको और क्लैरिटी की जा रही है और पूरी घटना में अभी तक एक जने की मृत्यु हुई है, दो इंजर्ड हैं जिनका इलाज यहाँ पे चल रहा है मदर एंड डॉटर का। और कोशिश की जा रही है उनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया।